हेलो एवरीवन, फूड नेटवर्क विद अंकिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई करेला। ये एक बहुत ही इजी और टेस्टी डिश है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं मलाई करेला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मलाई करेला को बनाने के लिए हमें चाहिए करेला, मैंने यहाँ पर 2 करेला लिया है, और हमें चाहिए सूखी लाल मिर्च, कलौंजी, हल्दी पाउडर, नमक, सरसों का तेल, मलाई और आधा कप दूध। तो सबसे पहले हम हमारे करेला को मैरिनेट कर लेंगे। इसे मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा हल्दी पाउडर, और थोड़ी नमक। इन सबको अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे करीब हम 5 मिनट तक मैरिनेट करके रखेंगे। इसके बाद हम हमारे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे करीब 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। अभी तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम सूखी लाल मिर्च डालेंगे और डालेंगे थोड़ी कलौंजी। अभी कुछ सेकंड्स तक इसे फ्राई करना है और हमने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखा है। पूरा खाना हमारा मीडियम फ्लेम में ही बनने वाला है। कुछ देर तक फ्राई होने के बाद अभी हम इसमें मैरिनेट किया हुआ करेला डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। करीब 2 से 3 मिनट तक इसे हमें फ्राई करते रहना है और लगातार हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। तो अभी हमारा करेला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। थोड़ी देर तक हम इसे और चला लेते हैं। अभी हम इसमें मलाई डाल देंगे। मैंने फुल क्रीम मिल्क को अच्छे से उबाल के उसके ऊपर से मलाई को निकाल लिया था, वही मैंने ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी इसको हमें करीब 3 से 4 मिनट तक इसे पकाना है। ये मीडियम फ्लेम में ही पकता रहेगा और इसे लगातार ऐसे हिलाते रहना है। जी, 3 से 4 मिनट के बाद हमारा ये मलाई करेला बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो हमारा मलाई करेला बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको चावल के साथ सर्व किया है। आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कि कैसा बना है। जिन लोगों को करेला बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगे। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आया है तो मेरे इस रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी न्यू रेसिपी के अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।